श्याम सखा मंडल द्वारा रामगढ़ कस्बे के छोटी बावड़ी वाले हनुमान मंदिर से पदयात्रा रवाना की गई। इस मौके पर आचार्य कृष्ण शर्मा ने बाबा के ध्वज का पूजन किया। श्याम सखा मंडल से जुड़े दिनेश चौहान ने बताया कि रामगढ़ कस्बे से इस बार 15वीं पदयात्रा रवाना हुई है। वहीं कस्बे में कई जगह भक्तों पर फूलों की वर्षा की गई। वहीं प्रेम पीठ तिजारा के पीठाधीश्वर आचार्य ललित मोहन ओझा ने हरी झंडी दिखाई। वहीं इस अवसर पर पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, जय आहूजा, जवाहरलाल तनेजा, पार्षद अमित कुमार भारद्वाज, संदेश खंडेलवाल, दिनेश चौहान और सत्यम गोयल आदि उपस्थित रहे। श्री शांत सखा मंडल रामगढ़ के तत्वाधान में परंपरागत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बाबा श्याम की नगरी में यहां से बड़ी धूमधाम के साथ पदयात्रा रवाना होती है। और इस वर्ष यहाँ का जोश और जनून जो युवा पीढ़ी में हमको देखने को मिला है, ये एक निश्चित रूप से भक्ति का केंद्र रहा है, केंद्र रहेगा। अभी जैसे कि आज बताया कि लक्ष्मणगढ़ में लक्ष्मण जी का, गोविंदगढ़ में गोविंद देव जी का और रामगढ़ में प्रभु श्री राम का से जुड़ा हुआ ये आध्यात्मिक स्थल रहा है। और बाबा की नगरी में दिनों दिन यहाँ से रामगढ़ से बाबा श्याम की नगरी में लोग, मैं तो समझता हूँ कि रामगढ़ का कोई दिन जाता होगा जब खाटू नगरी में हाजिर नहीं लगती होगी। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बाबा की नगरी में लोग जाकर के अपनी मनोती मांगते हैं, बाबा सबकी इच्छा पूर्ण करता है। हमारा सबका सौभाग्य है कि हम रामगढ़ के रहने वाले हैं। राम नगरी से श्याम नगरी को पदयात्रा जाना ये भी हमारा सौभाग्य है। हमारा सबका सौभाग्य है कि हम शीश दाने के दर्शन करने जा रहे हैं, कलयुग के अवतार। अब देश में जो सनातन धर्म का नव जागरण हुआ है, सनातन धर्म में जो भारी जोश और उत्साह आया है, सनातन धर्म में पूरे देश में उत्साह हुआ है।